देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की पापा नमस्ते। हाँ बेटा। ये देखा आपके मोदी जी ने क्या किया है? क्या हुआ? 21 दिन का लॉकडाउन है पूरे देश में, सब बैठे रहो घरों में। आप कहाँ पर हो? अलीगढ़ से निकले कि नहीं? हाँ, रास्ते में ही है बेटा। हाँ निकल लिए ना? हाँ तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे 10 बजे तक, क्योंकि अच्छा ये अपनी मम्मी से बात करवाइए, मम्मी से बात करवाइए। जी मम्मा नमस्ते। राशन है ना बेटा? हाँ मम्मा, संडे को ही तो शिफ्ट किया है, मंडे को सारा राशन लेकर आया हूँ। जी हाँ वो सब्जियां देख लेता हूँ, आप घर पहुंचकर फोन कीजिए। हाँ बेटा। जी बाय। श्रुति, मैं पिछले 10 दिन से घर की शिफ्टिंग में बिजी था, मॉम डैड को बताने का मौका ही नहीं मिला कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। तुम्हें मिलने आऊं? मैं इस वक्त पुणे आऊंगा, उसके बाद बॉम्बे कब आऊंगा? तुम्हें लॉकडाउन का मतलब पता है? मॉम डैड अलीगढ़ गए उस लड़की को देखने सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मॉम डैड को कमिटमेंट दे चुके थे। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, अरे शादी तब होगी जब मैं हाँ करूंगा। यू नो व्हाट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, तुम्हें जो करना करो। हाँ जो मेरे मन में आता है मैं वही करूंगा। अरे मेरी तरफ से आके भाड़ में मरो तुम। यू नो व्हाट, ओके फाइन, दिस टाइम आई विल शो यू। अरे मेरे पास, हाँ तुम भी मरो मैं भी मरता हूं, मुझे रहने दी इस रिलेशनशिप पे। व्हाट द फक आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। कौन कौन है? आवाज आ रही है आपको मेरी? कौन है? जी मैं आपके साथ वाले फ्लैट से बोल रही हूँ। मैं और मेरा बेबी घर में अकेले हैं, एकदम से लॉकडाउन हो गया है। मेरी बेबी के लिए इमरजेंसी में कुछ चीजों की जरूरत हुई तो क्या आप सुबह हमारी मदद कर देंगे प्लीज? आसपास किसी को जानती नहीं हूँ मैं। जी
एक्सक्यूज मी मैडम, आवाज आ रही है मेरी आपको? ये आपके साथ वाले फ्लैट में से बोल रहा हूं। वो आपने रात को कहा था ना कि आपको आपके बेबी के लिए किसी चीज की जरूरत होगी। बेबी? वो मेरा तो कोई बेबी नहीं है। पर आपने तो रात को कहा था कि आपके बेबी है। वो रात को आपके चिल्लाने की आवाज सुनी तो कुछ समझ नहीं आया, उस वक्त जो सही लगा कह दिया, सॉरी। थैंक यू। कोई और हेल्प चाहिए हो तो बोलिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दोबारा हेल्प की जरूरत ना पड़े। एक मिनट। जी? एक छोटा सा फेवर चाहिए आपसे। वो मेरा फोन डैमेज हो गया है, तो आप एक कॉल मिला देंगे अपने फोन से? मैं स्पीकर पर बात कर लूंगा। नंबर बोलिए। 9819523024। हेलो। हाँ ये भैया आपसे लाउड स्पीकर पे बात करेंगे, जरा ऊंची बोलना। हेलो। हाँ दीदी, ऋषि बात कर रहा हूँ सुंदरबन से। आप आई नहीं आज? अरे भैया बाहर लॉक है ना, कैसे आएगी? हाँ भूल गया था। अरे पर कैसे रह गया आप इतने दिन? मैं अपने लड़के को भेज देती हूँ आपके यहाँ, काम भी करेगा वहीं रहेगा। मेरे पास है 5 बच्चा लोग। नहीं नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है और खुद भी आने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। आप अपने घर पर रहिए, कहीं काम पर मत जाइए। अरे और मेरे घर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जब जरूरत होगी फोन करूंगा आपको, रखता हूँ। अरे पर भैया आपका व्रत है ना, व्रत का खाना कैसे बनाओगे? मैं कर लूंगा मैनेज, रखता हूँ फोन। थैंक यू। ये फातिमा है, मेरे घर काम करती है, मुस्लिम है। इन लोगों का खाना पीना रहना सहना आप जानती हैं कैसा होता है। ऐसे वक्त में घर में गंदगी आएगी तो आप, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू टेक एनी चांसेस। और मैंने तो सोच लिया है जैसे ही खत्म होगा ना, सबसे पहले अपनी काम वाली बदल दूंगा। सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया। मैं ऋषि हूँ, एशियन टेक्सटाइल्स में काम करता हूँ। एक हफ्ता पहले यहाँ शिफ्ट किया है और आज दिन में पहली बार अपने घर को देख रहा हूँ। आप सुन रही है ना? जी। आपका नाम क्या है? साइना। चलिए ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, ब्रेकफास्ट बनाना है तो। पर आपको तो व्रत का खाना बनाने नहीं आता ना? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा मैनेज। आप कहें तो मैं बता दूं आपको कैसे बनाते हैं। एक्चुअली आई डोंट माइंड। थैंक यू। वो साबुदाना खिचड़ी बनानी है तो आप। हाँ ये बन गया है। राइट, अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके देख रहा हूँ। साइना, हाँ वो
एक छोटा सा फेवर और चाहिए, मेरा दोस्त है आदिल, उसे फोन लगा दोगी प्लीज? श्योर, थैंक यू। नंबर है 9819488997। बात करेंगे आपसे, फोन आपका लाउड स्पीकर पे होगा, थोड़ा लाउडली बात कीजिएगा प्लीज। हेलो, अरे आदिल, ऋषि बोल रहा हूँ यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा फोन नहीं काम कर रहा है, एक स्पेयर फोन दिलवा दे अपनी शॉप से। भाई कौन सी दुनिया में है, लॉकडाउन है, दुकान बंद है। ओह शिट, भूल गया यार, लॉकडाउन की आदत नहीं पड़ी है ना अभी, क्या करूंगा अब मैं, एक तो क्वारंटाइन में वैसे टाइम पास नहीं हो रहा यार, ऊपर से फोन भी नहीं होगा तो। अरे यार दो चार दिन का वक्त है मुझे। हाँ हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू। मैच देख ले। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान रिपीट टेलीकास्ट। तू खुश मत हो साले, तेरे देश को हम हराएंगे, कश्मीर हमारा होगा काफिर। अरे बकवास बंद कर, फोन स्पीकर पर है। हाँ चल ठीक है, रखता हूँ, थैंक यू। थैंक यू सायना, वो ये मेरे बचपन का दोस्त है आदिल, कभी बुरा नहीं मानता यार, हम तो आपस में मौज मस्ती करते रहते हैं। तुम क्या कर रही हो? सायना, एक इमरजेंसी में कॉल करना है मॉम डैड को, प्लीज कर दोगी? नंबर? हाँ 9216470641। हेलो, मैं ऋषि की नेबर बोल रही हूँ, सायना, ये ऋषि आपसे बात करेंगे, फोन स्पीकर पे है, लाउडली बोलेगा प्लीज। अरे पापा नमस्ते, ऋषि बोल रहा हूँ, आपने दिल्ली पहुंचकर फोन ही नहीं किया। बेटा हम तुम्हें दो दिन से फोन लगा रहे हैं, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। हाँ पापा वो फोन खराब है मेरा, आप ठीक से पहुंच गए? पापा आप दिल्ली पहुंच गए? बेटा दरअसल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम अभी घर में ही फंसे हुए हैं होटल में, तो रात को टैक्सी बुक नहीं की, पर को क्या कहा, अलीगढ़ में? पापा उस रात को आपने कहा था आप दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। पापा आपको ये सब मजाक लग रहा है, बाहर देखिए कैसे तबाही मची हुई है, अरे मीडिया में बार बार दिखा रहे हैं कैसे निजामुद्दीन में हजारों मुसलमान पकड़े गए हैं जिन्हें कोरोना वायरस है, और अब वो पूरे देश में फैला रहे हैं, और आप जाकर अलीगढ़ में पहुंच गए जहां पर अलीगढ़ के तो नाम में ही पापा, अरे आपको कोई और शहर नहीं मिला था, अरे मेरे लिए लड़की देखेंगे आप, फंसा दिया। हाँ मैं करता हूँ कुछ, मैं कॉल लगाता हूँ आपको। ऋषि? हाँ सायना, कैन आई से समथिंग? शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम कैसे? मैं दिल्ली में जानती हूँ किसी को, थोड़ा वक्त दो मुझे, लेट मी ट्राई। प्लीज, थैंक यू।
ऋषि सायना। हाँ ऋषि, जरा ये फोन पर बात करो। अरे ऋषि बेटा, मैं बोल रहा हूँ। जी मामा। बेटा ये सायना विद्या ने दिल्ली पुलिस के एसीपी रफीक से अलीगढ़ पुलिस को फोन करवाया था। वो लोग हमें सेफ्टी होटल से मासी के घर छोड़ रहे हैं। ओके बाबा, अब आप घर पर ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा प्लीज, और मैं कॉल करता रहूंगा आपको। थैंक यू सायना, थैंक यू। नो आई सीरियसली मीन इट। मुंबई में क्या हाल हुआ है? हमारी ये बिल्डिंग में 4 केस थे, पूरी की पूरी बिल्डिंग सील हो रखी थी, सब लोग अपने अपने घरों में दबक कर बैठे थे। और मॉम, मैं नहीं चाहता था कि सायना पर कोई भी ऐसा इंप्रेशन पड़े कि मैं उसे मिलने के लिए ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ। चलिए मॉम, मैं फ़ोन रखता हूँ, 5 मिनट में सायना को मिलना है, उसके बाद ऑफिस के लिए भी जाना है। बाय। ऋषि साइन, साइना तुम तो हिंदू हो ना? किसने कहा? तुम्हारे यहाँ रोज सुबह आरती होती है, तुम लोग व्रत का खाना बनाते हो, तो ऑफ कोर्स। मेरी माँ हिंदू है, सुन नहीं सकती। अबू मुस्लिम थे। हमारे घर पे आरती भी होती है और नमाज भी अदा करते हैं, व्रत भी रखते हैं और रोजे भी। हाँ हाँ, होता होगा, पर हमारे यहाँ ऐसा। हमारे यहाँ? वैसे कहाँ है तुम्हारा ये यहाँ? ओह, जहाँ काम वाली को जरूरत के हिसाब से रखते हैं और निकालते हैं, उसकी गरीबी और मजबूरी को मजहब से जोड़ देते हैं, या फिर वहाँ जहाँ जरूरत पड़ने पर सबसे पहले मदद का फोन तो अपने दोस्त आदिल को करते हैं, और फिर बड़ी ही बेशर्मी के साथ मजहब के नाम पर उसके मजे भी ले लेते हैं, या फिर वहाँ जहाँ शहरों के नाम से ये डिसाइड किया जाता है कि वहाँ हिंदू रहते हैं या मुसलमान। For your information, 70% population अलीगढ़ में हिंदुओं की है। वो ACP जिन्होंने तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी मासी के यहाँ सेफली पहुँचाया, वो ACP रफीक है, मेरे चचेरे भाई। साइना हो या सानिया, है तो दोनों ही देश की बेटियां। लॉकडाउन इंसानों पर था, प्यार और इंसानियत पर नहीं। हाँ बेटा, मिला तुझसे? कैसी दिखती है? हम कब आए मुंबई? नहीं, सायना बच्चे से मिलने। सायना नहीं, सानिया, मुस्लिम है।
वो कहते हैं इश्क खुदा की इबादत है, पर क्या दुनिया के डर में कर पाओगे? मजहब के नाम पर बांटने वालों, कभी गरीबी भूख लाचारी को इस धरती से काट पाओगे? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आज सब बंद है, पर कैद क्या कभी इंसानियत को कर पाओगे? कमबख्त मैंने भी क्या मुद्दा छेड़ दिया, बनाने वालों इस पर भी मुद्दा बनाओगे?